बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, लगा हुआ है घर पे ताला। इस ताला लगने के पीछे रीजन ये है कि जिस तरह इब्राहिम हैदरी में बच्चों ने अपने बाप से गर्म कपड़े मांगे, बाप नहीं दे सका, उसने खुदकुशी कर ली, इसी तरह ये तीन बच्चों का बाप था। 30 साल इसकी उम्र थी, रोजगार नहीं था, बच्चों ने रोटी मांगी, नहीं दे सका, अपने आप को जला के मार लिया। खुश हो जाएं शेख रशीद साहब और तमाम हुक्मरान जो ये दावा कर रहे हैं कि लोग रोटियां ज्यादा खा रहे हैं। दो रोटी आपकी बच गई है शेख रशीद साहब, आपको मुबारक हो, दो रोटी बच गई। अभी रोटी नहीं खाएगा, इसने जला के मार लिया अपने आपको। अंकल कितने बच्चे थे इसके? इसके तीन बच्चे थे साहब। क्यों मारे इसके अपने आप? असल वजह बेरोजगार थी, परेशानी थी, कारोबार नहीं था बेचारे का, महंगाई इतनी है, क्या कर सकता है, किस तरीके से पूरा करता अपने घर का। किसने बचाया, किसने उसको यार? क्या हुआ बेचारे? कैसे बचाया? एले मोला ने बचाया, बस कंबल लिहाफ डाल के बचाया बेचारा। 85% जल चुका था काफी हद तक, लेकिन बातचीत की उसने चलने के बाद। बस यही बोला है कि मैं अपनी बेरोजगारी की वजह से चलूं, क्योंकि महंगाई इतनी कर दी इमरान खान ने। दो महीने किराया उसको देना था लेकिन नहीं दे पाया यार। क्या मुसीबत, दो महीने किराए की क्या औकात है यार, कोई ना कोई इदारा कर देता। लेकिन मुसीबत है, लेकिन कितनी बड़ी मुश्किल है, लोग बता रहे हैं। अच्छा, जब आप लोगों ने कंबल लिहाफ डाल दिया उसके कितनी देर जिंदा रहा? तकरीबन 2-2.5 घंटे जिंदा रहा है, उसके बाद जाके इंतकाल हुआ, 8-9 बजे तक इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा इमरान खान साहब को कि देख लें, लोग रोजाना की बुनियाद पर अपने आप को जला के मार रहे हैं, कोई रोटी के पीछे, कोई गर्म कपड़े के पीछे। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म हया है तो अपने महलों से बाहर निकलिए, अपने उन जागीरों से बाहर निकलिए जहां आपकी अय्याशियां खत्म नहीं हो रही, और आके देखें लोग रुसवा हो रहे हैं, लोग अपने आप को मार रहे हैं, उनके बच्चे रोटी मांग रहे हैं, उनके बच्चे गर्म कपड़े मांग रहे हैं। लेकिन आप लोगों को इन चीजों का ख्याल नहीं आएगा, आप मुल्क को डिजिटल बना दीजिए। गरीबों का एहसास नहीं है, गरीबों का, ये महलों में रहने वाले लोगों को क्या गरीबों का एहसास है? इनको एहसास होना चाहिए कि किस तरह गरीब जिंदगी बसर कर रहा है। इन्होंने किस तरह देखा नहीं ना बच्चा, देखा नहीं ना, शुरू से रोटी मांगे और बाप नहीं दे सके तो उसके लिए कितनी बड़ी कयामत है। किस तरीके से होगा? जो लोग देख रहे हैं उनको ये सारे दर्द दिखाता रहूंगा भाई कि किस तरह से रुसवा हो रहे हैं लोग, जलील हो रहे हैं रोटी के पीछे, रोजगार ही नहीं है। आपने कोटे के नाम पे कराची में रोजगार बंद कर दिया है, लोगों के पास जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे थे वो बेरोजगार हो रहे हैं। उसके अलावा आप देखें जो मीडिया के लोग थे 30-40 हजार, वो बेरोजगार हो गए, ना नौकरी है कोई, और जिस तरह लोग खुदकुशी कर रहे हैं बहुत अफसोसनाक बात है। आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है कोई हुक्मरान देख लो उसको शर्म आ जाए, गैरत आ जाए, हया आ जाए, कम से कम रिजाइन देके घर पे बैठ जाए, जुल्म में तो शरीक ना हो।